Okay. Still only five of you have come so far. सिर्फ पांच बच्चे आए हैं अभी तक. एंड नॉट टू रिपीट अगेन एंड अगेन, यू कीप योर वीडियो ऑन. वीडियोस मस्ट बी ऑन, आई शुड नॉट रिपीट इट. अभी मैं सिंपली यही करूंगा, जिसका वीडियो चालू रहेगा सीधा उसको निकाल दूंगा क्लास से. अपना वीडियो चालू रखो और सामने रहो कैमरे के बराबर. ओके, सी लास्ट टाइम मैं कह रहा था, एक बार छोटा सा रिपीटेशन. रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, दिस इज व्हाट वी वांट, यू नो. तो क्या किया हमने, एक रेक्टेंगुलर वायर फेंक ली ए बी सी डी, हूज साइड सी डी ऑफ लेंथ एल इज मूवेबल. मतलब इसको ऐसा ट्यू ट्यू आगे पीछे कर सकते. फिर वी डिप दिस इन अ सोप सॉल्यूशन सो दैट अ थिन फिल्म ऑफ सोप इज फॉर्म ऑन साइड ए बी सी डी. थिन फिल्म ऑफ सोप इज फॉर्म. Alright. If we don't apply external force on CD, what will happen? You know, force due to surface tension acting will move CD towards AB. Therefore, we have to apply external force to keep it in equilibrium. सबसे बड़ी बात ये थी कि because soap film has finite thickness, therefore total length in contact of the soap film will be 2L, not L. If L is the length of the rod, length in contact will be 2 times H should L. Alright. Surface tension to formula is F upon L. T will be F upon 2L. So F will be T into 2L. Now I move to the right by a very small elemental distance dx. So work done will be force into displacement. Force is T into 2L. But this side into other side is nothing but increase in area. If I want total work done, integrate both the sides. So total work done W equal to T into A2 minus A1. This formula you have to learn by heart. So I have just repeated and now we'll proceed further. सभी लोगों को homework करना है. कल काफी अच्छा, काफी लोगों ने मुझे homework submit किया and I'm really happy about it. Everybody has to do that. और अपने notes बनाओ, अपने hand written उससे पढ़ाई करो. आप ये सोचेंगे कि मैं phone के अंदर, laptop के अंदर जो उसमें से पढ़ दूंगा, it will be difficult. Okay, now. मैं आगे बढ़ के करना चाहूंगा अगला पार्ट, एंड दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाले फोटो पे आ जाइए जो मैंने भेजा था कल. आई थिंक यस्टरडे नाइट आई हैव सेंड यू. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. सुनो ध्यान से क्या होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में. सपोज दिस इज द ग्लास सरफेस, ग्लास कंटेनर है पूरा, एक्चुअली ऐसा पूरा, लेकिन मैं सिर्फ ये पार्ट बता रहा हूँ. इधर भी मैं सिर्फ ये पार्ट बता रहा हूँ, ग्लास कंटेनर का एक ही पार्ट. एक्चुअली पूरा ग्लास कंटेनर है, आई एम शोइंग वन पार्ट. यहाँ पे रखता है पानी, यहाँ पे क्या रखा है पानी, प्योर वाटर रखा है यहाँ. ऑलराइट, ये प्योर वाटर. और यहां पे रखी है हमने मर्क्यूरी, यहां पे रखी है मर्क्यूरी. थोड़ी डेंस रहती है तो मर्क्यूरी को मैं ऐसे दिखा देता हूं. ये मर्क्यूरी है और ये पानी है और ये ग्लास है और ये भी ग्लास है. मेरे कुछ भी क्वेश्चन आएंगे स्ट्रेट अवे यू हैव टू अनम्यूट एंड स्टार्ट आंसरिंग. मैंने ग्लास और वाटर का कॉम्बिनेशन लिया है एक जगह पे और एक जगह पे ग्लास और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन लिया है. उठते जा, मैंने क्यों सर एक साइड ग्लास और वाटर का कॉम्बिनेशन है और एक साइड मर्क्यूरी और ग्लास का कॉम्बिनेशन. दैट इज राइट. अब है ना बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना, देखो बहुत मजेदार फिनोमेना है. अपन है ना जो ऐसे देखते हैं ना दूर से, तो हमको 90 degrees लगता है. तो 90 degrees है ऐसा, इधर भी और इधर भी ऐसा लगता है, as if it is perpendicular, ऐसा लगता है. लेकिन ऐसा reality में होता नहीं है. If I go and observe this part, let us say this part is A, this particular contact point is A and this particular contact point is B. और मैं high power microscope जाके लगा के देखता हूँ,
एकदम हाई पावर माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन इज लाइक दिस, जूम जूम बोलते हैं जूम, राइट। तो बहुत बहुत ही अजब नजारा देखने को मिलता है, ये पॉइंट है। और यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है ना, ऐसा यहाँ पे पानी ऐसा जो दिखा है, दूर से देखा तो 90 डिग्री लगा, पास जाके देखा तो ऐसा, ये देखो ये पानी और ऐसा यहाँ पे पॉइंट ए पे। और पॉइंट बी पे अगर जब मर्क्यूरी के साथ में था, मर्क्यूरी और पानी ग्लास का कॉम्बिनेशन था, दूर से देखा तो क्या लगा 90 डिग्री, लेकिन जब हाई पावर माइक्रोस्कोप ने देखा तो ये तो ऐसा हो गया, तो हम सोच में पड़ गए। यहाँ पे हम लोग सोच में पड़ गए कि भाई ये क्या लफड़ा है, ये मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी और ये पानी। यहाँ पे एक चीज नक्की पता चल गई कि भाई गड़बड़ है कुछ, जो हम सोचते हैं और जो देखते हैं वो अलग अलग जुदा जुदा। तो यहां से पैदा होता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, क्या पैदा होता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पे देखो दिस इज कॉनकेव और यहाँ पे क्या है कॉन्वेक्स। शेप ऑफ द मेनिस्कस इज कॉनकेव, शेप ऑफ द मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दोनों में टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट आता है कुछ कुछ ऐसा, सुनो ध्यान से, ये टेंजेंट आया और यहाँ पे ये टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट, दिस इज व्हाट इज टेंजेंट, दिस इज व्हाट इज टेंजेंट। हम लोग को इतना पता चलता है कि अगर कोई एंगल के बारे में सोचे, and that to angle measured from inside the liquid, angle measured from where, inside the liquid, तो यहाँ पे पता चलता है this angle is theta और यहाँ पे पता चलता है this angle is theta, angle between what and what, solid surface, glass is a solid surface and the tangent drawn to the liquid surface and the tangent drawn to the liquid surface at a point measured from inside the liquid, at a point measured from where, inside the liquid, and that is called angle of contact. Angle of contact. एक बार फिर से मैं ये पूरा बताता हूँ और इसके बाद मैं definition दूंगा, word to word definition नहीं बोलोगे चलेगा, लेकिन मेरे को answer चाहिए। Don't say repeat. I don't like this. Question पूछने के बाद बोलेंगे repeat. देखो अब सुनो situation क्या है, angle of contact के बारे में हमको study कर रही है कि आखिर है क्या। हमने क्या किया, एक ही ग्लास सर्विस कंटेनर का मैंने एक ही पार्ट दिखाया है, इसके अंदर लिया पानी, इस कंटेनर के अंदर लिया मर्क्यूरी और यहाँ पे हमने दूर से देखा तो 90 डिग्री लगा, लेकिन जो पास भी जाके इसको हाई पावर माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई किया तो ऐसन, यहाँ पे ऐसन हम सोच में पड़ गए कि ये क्या बला है, क्या लफड़ा है। यहाँ पे फिर हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड था, यहाँ पे कॉन्वेक्स अपवर्ड था मेनिस्कस, फिर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट जैसा इनसाइड आया, यहाँ पे टेंजेंट आउटसाइड आया, फिर हमने एंगल मेजर किया कहाँ से, फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड, एंगल मेजर किया कहाँ से, फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। हमको इतना पता चल गया कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन वॉटर एंड ग्लास इज अक्यूट एंड मर्क्यूरी एंड ग्लास इज वॉट, रोशनी। एंगल बिटवीन इधर एक्यूट है तो मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में क्या है, रोशनी, obtuse, that's it. छोटे मोटे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, यू कैन नॉट जस्ट कीप क्वाइट इन हाउस, वेरी गुड आंसर। अब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज, अपने ओन वर्ड्स में बोलोगे चलेगा, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन सॉलिड सर्फेस एंड द टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सर्फेस, एंड वॉट, टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सर्फेस at a point measured from inside the liquid, at a point measured from inside the liquid is called angle of contact. मैं वापस बोल रहा हूँ, then I'm going to ask straight away. मुझे आंसर चाहिए क्लास में. It is defined as the angle between solid surface and tangent drawn to the liquid surface. At a point measured from inside the liquid is called angle of contact. It's called angle of contact. I hope that's clear. Jito, repeat kar.
So it is defined as angle between solid surface and tangent drawn from so tangent drawn to the liquid surface at an angle of नहीं, एट ए एंगल नहीं, एट ए पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम, एट ए पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम, एट ए पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड, खाली इतना बताओ, सर एट ए पॉइंट मेजर्ड, इनसाइड हाँ, एट ए पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम इनसाइड, दिस कॉल्ड एंगल ऑफ कॉर्नर. सी, इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग आई एम गोइंग टू हेल्प यू. मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको परेशान कर रहा, अगर आपने थोड़ा थोड़ा बोलना चालू किया तो मैं हिंट देना चालू करूंगा आपको, लेकिन यू जस्ट कैन नॉट कीप क्वाइट. ओके, तो ये अभी एक बात बताओ ना मेरे को, पानी ग्लास को क्या करता था, गीला गीला करता था या क्या करता था? क्या हाँ सर वेट करता था। पानी ग्लास को गीला करता था क्या? आई एम आस्किंग यू. हाँ, हाँ सर और मर्क्यूरी ग्लास को गीला करता था क्या? तो नहीं सर मतलब एक प्रॉपर्टी तो मिल गई, अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज एक्यूट, लिक्विड विल वेट द सर्फेस, दैट लिक्विड विल वेट द सर्फेस जिसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट है, और लिक्विड हुज एंगल इज ऑब्ट्यूज, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑब्ट्यूज, इट विल नॉट वेट द सॉलिड, इट विल नॉट वेट द सॉलिड. ये गीला गीला करेगा, ये गीला गीला नहीं करेगा, ना ही करेगा. आई होप दैट्स क्लियर. बात समझ में आ ली? हाँ सर ओके, एक और बात बताता हूँ, ऑफकोर्स विल डिस्कस इट जस्ट नाउ ओनली, अभी इसके बाद में डिस्कस करने वाले हैं. एक्चुअली देर इज अ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब इज अ वेरी थिन ट्यूब हैविंग वेरी फाइन बोर, ऐसी एक कैपिलरी ट्यूब होती है, यहाँ से नीचे से खुली है, इसको जब पानी में डालते हैं ना तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, ट्यूब ऊपर विश ऊपर चला जाता है, और उसी को अगर मर्क्यूरी में डालते हैं, उसको अगर मर्क्यूरी में डिप करते हैं तो मर्क्यूरी नीचे धम करके नीचे गिर जाता है उसके अंदर. तो यहाँ पे लिक्विड राइजेस और यहाँ पे लिक्विड फॉल्स. कैपिलरी ट्यूब सुना है ना आपने, केमिस्ट्री में यूज की होगी कैपिलरी ट्यूब, किया है नहीं? एकदम पतली सी ट्यूब रहती है. विधि आपने यूज किया है, विधि भट्ट? अरे हाँ, तुम लोग तो लैब में गए ही नहीं ना, ऑलवेज फॉरगेट, यू आर ऑल ऑनलाइन वाले मस्त मटेरियल, ऑनलाइन मटेरियल तुम लोग. सो कैपिलरी ट्यूब इज व्हाट यू नो इज अ वेरी ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर, ग्लास ट्यूब रहती है, उसका डायमीटर बहुत बहुत बारीक रहता है, उसको डुबोएंगे ना किसी लिक्विड में तो या तो कोई लिक्विड ऊपर चढ़ जाती या कोई लिक्विड नीचे गिर जाती, पानी वाली लिक्विड ऊपर चढ़ जाती. तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, वेन एवर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज अक्यूट, लिक्विड विल राइज इन साइड द कैपिलरी ट्यूब, एंड वेन एवर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑब्ट्यूज, लिक्विड विल फॉल इन साइड द कैपिलरी ट्यूब. ये वाली स्टेटमेंट को वापस बोल ओम मिस्त्री, अनम्यूट होना चाहिए तुरंत. ओम मिस्त्री, यस हाँ बोल, सर. कौन सी लिक्विड में ऊपर चढ़ जाते हैं, क्या बोल बोल बोल, कुछ भी बोल. यस अच्छा, मैं हिंट देता हूँ, कौन सी लिक्विड में पानी ये ऊपर चढ़ जाता, वाटर में या मर्क्यूरी में? वाटर वाटर में. उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट. अक्यूट, तो प्रॉपर्टी मिल गई, वेन एवर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट लिक्विड विल राइज, और इसका उल्टा क्या होगा प्रिशा, प्रिशा इसका उल्टा क्या होगा, एक्यूट में राइज होता है तो किसमें फॉल होता है? कॉन्वेक्स, अरे ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज. और एग्जांपल क्या उसका, इसमें फॉल होता है, उसका एग्जांपल बोलो पिछा. मर्क्यूरी. दैट्स राइट, दैट्स राइट. आई विल नॉट आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन, मेरा मेन एम ये है कि तुम लोग लेक्चर के अंदर होने मांगते हो तो यू विल बी एबल टू आंसर. अगर आपने खाली लेक्चर सुन रहे हो, मेरे क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन जाएंगे, आपको कभी तकलीफ दे परेशान करने के लिए मैं नहीं पूछूंगा, मेरा खाली ये देखना है आप लोग लेक्चर में अटेंटिव हैं या नहीं. ओके, देयरफॉर दिस आइडिया आई हैव जनरेटेड एवरी वन ऑफ यू, एंड आई वांट टू थैंक अबाउट फोर ऑफ यू. चार लोगों ने मुझे फोन करके बोला कि सर आप है ना ये वाला आइडिया अपनाओ, एवरीबडी विल बिकम अटेंटिव सर, एंड दैट वॉज रियली गुड ऑन द स्टूडेंट्स पार्ट. अबे ना
एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इतनी बात बहुत हो गई डायग्राम वगैरह बना के कुछ इसके खाली एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में ध्यान रखना इट चेंजेस टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज अगर इम्प्यूरिटीज डाल दी ना अंदर कुछ कचरा पिचरा डाल दिया यानी नमक डाल दिया या कोई लेटेस्ट से डिटर्जेंट डाल दिया तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है ये ध्यान रखना ऑलराइट तो इसके बारे में इतना सफिशिएंट है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में उसकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स दी है वो सब पढ़ लेना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वगैरह सब मैंने दिया है नोट्स में और उसको लिख लेना बच्चों इसके बाद हम लोग चलते हैं कैपिलरी एक्शन कौन सा एक्शन कैपिलरी एक्शन capillary action let us understand I am going to ask be careful every one of you capillary tube is a tube glass tube having very fine bore yani hole uska bahut barik hota hai usko bolte hain capillary tube such a tube when it is dipped kyun usko dip kiya main actually patla nahi banaunga kyunki patla banaunga to bilkul samajh mein nahi aayega but you assume that it's very very thin lekin main aisa banaunga mota wala jisse you will understand the concept ye suppose capillary tube isko dip kiya यहाँ पे भी ये सपोज कैपिलरी ट्यूब है इसको डिप कर दिया ये मर्क्यूरी और ये पानी ये मर्क्यूरी और ये क्या है पानी मर्क्यूरी और ये पानी यहाँ पे हमको पता चलता है यहाँ पे हमको पता चलता है राइजेस यहाँ पे ये ऊपर की ओर और यहाँ पे पता चलता है अंदर की ओर रिवर्स जाता है दिस राइजेस बाय सर्टेन हाइट एंड दिस फॉल्स बाय सर्टेन हाइट यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन तो कैन आई से स्टेटमेंट सुनाओ मैं पूछने वाला हूँ The rise or fall of a liquid. Pushna, itna bol. Khali itna bol. Rise or fall of a liquid. Pushna. Rise or fall of a liquid. बाकी स्टूडेंट बोल रहे सर ऐसा हम लोग को भी पूछो ना आप पूछने को इतना इजी पूछते हैं बाकी लोग को टफ पूछते हैं Everybody must give attention. Okay. The rise or fall of a liquid in a capillary tube. In which tube? Capillary tube. Whenever it is dipped inside a liquid, is called capillary action. Whenever it is dipped inside the liquid, is called capillary. एक बार वापस बोलते हो पूरा आंसर चाहिए मेरे को. The rise or fall of a liquid in a capillary tube. Whenever it is dipped inside the liquid, is called capillary action. दागिना दागिना वाला दागिना नहीं है क्या जस्ट चेक दागिना है कि नहीं अश्का 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 बोल नहीं सर नहीं हो अश्का है मेरे को दिख रही है अश्का नहीं नहीं सर मैं हुसैन की बात कर रहा था हाँ उसे नहीं अस्का है अस्का नहीं बोलेगी मैं निकाल रहा हूँ तुमको योर वॉइस शुड स्टार्ट इमीडिएटली उसने अपना ये भी बंद कर दिया वीडियो भी बंद कर दिया शायद अस्का बोलो वहां चलो फॉल ऑफ द लिक्विड हाँ या गुड 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 वेरी गुड बहुत अच्छा है
in a capillary tube. Rise or fall question hota hai beta. In a capillary tube. When kya karte capillary tube ko? Whenever it is. Whenever it is dipped inside. उसका फॉर्मूला सुन लो एच इक्वल टू 2t cos थीटा upon r rho g h equal to 2t cos theta upon r rho g. This is the formula you have to learn by heart. 2 is 2. No, no. T kya hoga T? Anybody? T must be what? Surface tension. That's right. What must be theta? Theta kya hoga? Theta must be what? Angle angle of contact. एक वर्ड बोलो ना यार theta is angle of contact. All right. R is radius of the capillary. इतना यहाँ से यहाँ तक distance छोटा. Radius of the capillary. Rho is the density of the liquid. In this case अगर यहाँ होगा तो पानी, यहाँ होगा तो mercury. G तो सभी को पता है. जी फिर भी मैं पूछना चाहूंगा जी क्या है वैष्णवी जी क्या है छोटा जी वैष्णवी वैष्णवी आई थिंक आई शुड रिमूव हर मेरे को इतना टाइम नहीं चाहिए किसी को भी देना नहीं है टाइम ओके छोटा जी क्या है रोशनी तुम बोलो एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरा एक्सेलरेशन ऐसा बताने का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं आता है तो मेरे को बोलो सर मेरे को याद नहीं आ रहा है लेकिन यू जस्ट कैन नॉट कीप क्वाइट ओके तो ये हो गई बात इसकी कैपिलरी एक्शन की ये क्यों होता है नंबर वन सर ये क्यों ऊपर जाता है सर ये क्यों नीचे जाता है विल अंडरस्टैंड दैट सर ये फॉर्मूला कैसे आया वो आल्सो विल डिराइव डोंट वरी वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग योर अटेंशन इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नहीं मैं वसूल जबरदस्ती लूंगा अटेंशन आपका यू कैन नॉट जस्ट फूल मी ये तो सीधा निकालने वाला हूं मैं आई एम नॉट गोइंग टू वेट और कैमरे के बराबर सामने होना चाहिए चेहरा ऑल द ट्रिक्स प्लेड बाय यू इज गोइंग टू अफेक्ट यू ओनली आई एम नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड सर को मैंने उल्लू बनाया मैं अंधेरे में चालू कर देती हूँ वीडियो फिर मैं तो सो जाती हूँ अंधेरा फिर मैं चालू कर देती हूँ लेकिन मैं सामने नहीं रखती हूँ मैं सो जाती हूँ आराम से वीडियो चालू रहता है कुछ पंखा दिखाई देता है सर को वेल दिस इज गोइंग टू नॉट हेल्प यू आर गोइंग टू बी लूजर बाय ऑल दिस ट्रिक्स ओके इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैपिलरी एक्शन डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलते हैं हमको कहाँ देखने को मिलते हैं सर ये तो बस सही हमने देखा लेकिन सर कोई प्रैक्टिकल आप बताइए बहुत आसान है बहुत आसान सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा सभी लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा ही होगा ये क्या है बताओ ये क्या है बताओ ट्री ट्री राइट यहाँ पे लेट्स से एक लीफ है यहाँ पे एक लीफ है यहाँ पे एक लीफ है पत्ती पत्ती बोलते हैं ना बायोलॉजी वाली लीफ अब मुझे एक बात बताओ क्या इसको पानी की जरूरत पड़ती है कि वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट टू सर्वाइव मुझे बताओ एक बात पानी की जरूरत पड़ती है नहीं फॉर इट सर्वाइवल वेरी मच रिक्वायर्ड क्या हम लोग जब पानी देते हैं तो ऐसा पाइप ऊपर मारते हैं कि भाई पानी पी ले प्लीज तू भी पी ले तू भी प्लीज सबको पानी पिलाते रहते हैं ऊपर कि हम लोग नीचे देते पानी कहाँ देते पानी जमीन में देते हाँ क्या नीचे नीचे देते अब H का फॉर्मूला देखो
H का फॉर्मूला था 2t cos theta upon r rho g. Tell me x और r का रिलेशन डायरेक्टली और इनवर्सली. इनवर्सली. एक्चुअली यू नो नेचर इज सो स्मार्ट. ये जो हमारी नेचर है, नेचर इतना स्मार्ट है कि उसने क्या किया मालूम है, उसने स्किन के अंदर इतनी फाइन फाइन कैपिलरी बनाई, इतनी फाइन कि अवर ह्यूमन आई कैन नॉट सी, यू नो 0.00001 मिलीमीटर सपोज इतनी. दिस इज वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर क्या होता है, पानी नीचे ले जाता है, कैपिलरी एक्शन से जो पानी ऊपर पहुंच जाता है, जो पानी इधर पहुंच, जो पानी उधर पहुंच जाता है एंड यू नो पत्तियां खुशी से झूम उठती है बिकॉज ऑफ विच एक्शन. पानी किससे पहुंचता है ऊपर, पानी को सीधा ऊपर पहुंचा देती, हर जगह पहुंचा देती. कैपिलरी एक्शन मम्मी की तरह काम करती, हर बच्चे का ध्यान रखती और उसको धपा दप पानी पहुंचाती रहती और बेचारी सर्वाइवल में मदद करती. नेचर इज सो स्मार्ट, सो सो स्मार्ट. अभी पता नहीं नेचर ने कोरोना भी क्यों बनाया, आई डोंट नो. हो सकता है ह्यूमन हैज डिस्ट्रॉयड द नेचर सो मच दैट नेचर ने बोला अभी तुम लोग की मैं ठीक करती हूँ अभी तुम लोग को, इसलिए देखो हम लोग को ऑनलाइन में उतरना पड़ा. ओके ये पहला है. दूसरा, आपने आजकल तो यूज नहीं करते फाउंटेन पेन हुआ करते थे, किसी ने देखा फाउंटेन पेन, इंक भरते थे हम लोग पीछे से फिर इंक से लिखते थे, किसी ने देखा ऐसा फाउंटेन पेन. और पुराने जमाने में मुनीम लोग क्या करते थे, और मैं इंक की डिबिया रखते थे ऐसे, यहाँ पे इंक की डिबिया और यहाँ पे इसमें इंक भरी रहती थी. फिर उनके पास एक पेन होता था, पेन भी यानी मोर पंख जैसा और आगे है ना एक निब होती थी और वो लोग उससे लिखा करते थे. देखा है किसी ने ऐसा, या फिल्मों में देखा है, कहीं तो सुना होगा. यस सर. वो लोग क्या करते थे, चोपड़े में ये चोपड़ा है इसमें सब मुझे अकाउंट सब लिखना है और वो लोग इस पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे, एक्चुअली उल्टा बना दिया मैंने, ऐसी निब रहती थी और निब का अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूं एकदम पास से जाके तो यू नो ये निब है और इसके अंदर एकदम फाइन कैपिलरी बन गई थी, एकदम फाइन मैन्युफैक्चरर बना के रखते हैं. और ये क्या करता था मुनीम, इसमें लिखता था जैसे इंक खत्म होती थी क्या करता था वो, एनीबडी रिमेंबर्स, जैसे इंक खत्म हो गई पेन की डिप करता था क्योंकि बिकॉज ऑफ विच एक्शन, निब में पानी स्याही चढ़ जाती है ऊपर, कैपिलरी एक्शन, फिर ज़िप करके पूरा ये भर जाता था कैपिलरी एक्शन से, निब पूरी भर जाती थी, फिर आके टकाटक लिखता था, फिर वापस जाता था, फिर इस तरह से काम होता था. ऑलराइट. सिमिलरली ब्लॉटिंग पेपर देखा है आपने, कभी गिर जाता है तो हम लोग ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं और जिससे पानी कहीं गिर जाता है कुछ भी तो हम लोग ब्लॉटिंग पेपर या अखबार में भी है ना न्यूज पेपर का पेपर भी ऐसे सोक कर लेता है लिक्विड को. हैव यू सीन दैट, किसी ने देखा है वो बात, यस और नो? यस सर. हाँ, तो वो भी बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, बिकॉज ऑफ व्हाट, कैपिलरी एक्शन. ऑलराइट. दूसरी बात, हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे क्या जलाते हैं घर के अंदर, दिया. दिवाली के टाइम पे क्या जलाते हैं हम लोग घर के अंदर, बोलो सर. दिया. यस, दिया जलाते, ये हमारा दिया जल रहा है टकाटक टकाटक, ये इसकी यू नो. और यहाँ पे सपोज ऑयल, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट एग्जांपल आई एम गोइंग टू, ये ऑयल है और दिए को जलते रहने के लिए ऑयल मिलना इसका यहाँ पे बहुत जरूरी. अब मुझे बता दो क्या मैं बोलना चाहता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू स्पीक. कैपिलरी एक्शन होगा आपका. कैपिलरी एक्शन से ये जो कॉटन का ये जो रहता है थ्रेड, उसके अंदर फाइन फाइन कैपिलरी है, ऑयल क्यों राइज होके वहां पहुंच जाता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, कैपिलरी एक्शन, और उसको पूरा टाइम आराम से चलने में मदद करता है. तो दिस ऑल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ विच एक्शन, कैपिलरी एक्शन. ऑलराइट. अभी जब हम कपड़े डुबोते हैं तो कपड़े गीले हो जाते हैं,
डूबोते हैं ना जब बाल्टी के अंदर कपड़े डालते हैं तो बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन वो पूरा पानी कपड़े खींच लेते हैं अपने अंदर. रिजेक्शन कैपिलरी एक्शन. तो ये हो गई बात कैपिलरी एक्शन की. फॉर्मूला डिराइव करना अभी बाकी है. क्यों ऊपर चढ़ना और क्यों नीचे उतरना वो भी समझाना अभी बाकी है. अबे एक डेरिवेशन है एक्सेस प्रेशर का. आई डोंट लाइक दैट डेरिवेशन लेकिन करना तो पड़ेगा. एक्सेस प्रेशर. हाँ लेकिन बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. आशीष प्रजय तुम राइट टाइम पे आए थे लेट आए थे? यस सही टाइम पे. हाँ सुनाई नहीं दिया मेरे को क्या बोले? सही टाइम पे आया था. सही टाइम पे. तो मुझे हाइट का फॉर्मूला बताओ. हाइट बाय विच लिक्विड राइजेस और फॉल्स? 2 d cos θ r ρg अपॉन आर रोजी. ऐसे बोलने का यार अपॉन आर रोजी. दैट इज राइट. लेट्स अंडरस्टैंड एक्सेस प्रेशर. वेरी गुड आंसर आसिफ. इनसाइड अ ड्रॉप एंड इनसाइड अ बबल. खाली ड्रॉप में ध्यान रखना. ड्रॉप सॉलिड होती है. ड्रॉप की सपोज रेडियस आ रहा है तो ड्रॉप पूरी भरी हुई होती है. तो उसके पास एक ही एरिया होता है. एरिया इज 4πr². और जो बबल होता है ना इट इज हॉलो. उसकी दो सर्फेस होते हैं आउटसाइड सर्फेस इनसाइड सर्फेस. थिकनेस इज नेगलिजिबल. तो उसका एरिया होगा डबल ऑफ द ड्रॉप. क्योंकि अंदर का सर्फेस भी लेना है बाहर का सर्फेस भी लेना है. तो इट विल बिकम 8πr². ये खाली हम लोग मैं आपको पहले से बता रहा हूँ सो दैट लेटर ऑन आपको जब मैं यूज करूंगा तो यू विल से यस 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 यस. Because it has got only one surface, we have drop में drop solid होती है पूरी भरी हुई. एक ही area होता है 4πr² और bubble में दोनों दोनों area अंदर का area बाहर का area. Therefore total area is 8πr². ऋषभ शेट्टी bubble का area क्या होता है? ऋषभ शेट्टी. Yes sir. Bubble का area? सर आउटर सरफेस है मैंने. क्या आउटर सरफेस? हाँ टोटल एरिया का फॉर्मूला बोलना यार. अच्छा आलू गुप्ता फॉर्मूला बोल बबल का. तो 8πr². यस ऋषभ कहाँ है ध्यान तुम्हारा? एकदम अभी अभी जैसे ही बताया वैसे ही पूछा मैंने. Okay, now, you know, let us consider drop first of all, drop picture. Suppose a drop thi, uski radius thi r. Oh, walk kiya, uski nahi radius ban gayi, bubble ko thoda sa expand kiya, sorry, drop ko, to uski nahi radius ban gayi r plus delta. Remember, उसको शेप में रखने के लिए पी आई इज द इनसाइड प्रेशर पी ओ इज द आउटसाइड प्रेशर. पी आई मीन्स इनसाइड पी ओ मीन्स आउटसाइड. रिमेंबर इट हैज टू इफ इट हैज टू रिमेन इन द शेप देन दिस पी आई हैज टू बी ग्रेटर देन पी ओ. इनसाइड प्रेशर हैज टू बी ग्रेटर देन पी ओ. नहीं तो अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो तोड़ देगा बबल को या ड्रॉप को तोड़ देगा. तो दिस पी आई हैज टू बी ग्रेटर देन पी ओ. इसका फॉर्मूला हमको निकालना है. मतलब क्या फॉर्मूला निकालना है? पी आई माइनस पी ओ का फॉर्मूला निकाल के दुनिया को दिखाना है. इसका फॉर्मूला हमको दिखाया. अब मुझे एक बात बताओ. जब इनिशियली रेडियस आर थी तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ड्रॉप ए वन? 4πr² या 8πr² मुर्तजा? एरिया 4πr² और 8πr? 4πr² दैट्स राइट. नया एरिया जब उसकी रेडियस हो जाती है आर प्लस डेल्टा आर जो बड़ा ड्रॉप है उसका. तो व्हाट विल बी द एरिया? 4πr प्लस क्योंकि नई रेडियस r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4πr² प्लस 2r डेल्टा r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर. बट डेल्टा r इज वेरी स्मॉल. Therefore, delta r square can be neglected.
All right. And therefore, what will be A2? यहाँ पे ऐसे करते हैं. A2 क्या होगा? A2 will be 4 pi R square plus 2 R delta R. Therefore, what is the increase in area dA? Equal to A2 minus A1. And therefore, when you do this A2 minus A1, and A2 ये रहा, A1 ये रहा, then you will get 8 pi R delta R. देखो ना 4 pi R square, 4 pi R square will get cancelled. सिर्फ इधर आएगा 4 into 2, 8 pi R delta R. ये delta R है. ना मुझे एक बात बताओ, हम मैंने वर्क डन और सरफेस टेंशन का यानी सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला डिराइव किया था आज सुबह, अच्छा वापस रिपीट किया था. विधि, व्हाट वाज द फॉर्मूला डिराइव बाय मी? वर्क डन और सरफेस एनर्जी इक्वल टू टी इनटू क्या था विधि भट्ट सर? आज सुबह किया, वापस रिपीट किया. आई डोंट रिमेम्बर. अरे क्या रे, dw = t into dA and then w a2 minus a1. हां a2 minus a1 किया ना यार हमने. सी हां सर यार, आई रियली अप्रिशिएट विधि. पूरे पूरे बैच को मैं एग्जांपल देना चाहता हूं. आप आएंगे बोलेंगे नहीं सर मुझे याद नहीं आ रहा है, फुल्ली एक्सेप्टेबल टू मी. Fully, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, एक लाइन चिल्लाऊंगा नहीं. बट इफ यू कीप क्वाइट रिमेन मम, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द ग्रुप. यू कैन नॉट रिमेन इन द ग्रुप इफ यू जस्ट डोंट टेक पार्ट इन द लेक्चर. यू कैन से आई डू नॉट नो सर, आई फॉरगॉट, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, ऑल दीज वर्ड यू कैन यूज. लेकिन जब टीचर बोल रहा है सामने से रिस्पॉन्स ही, मतलब यू आर नॉट इन द क्लास ओनली, चालू करके किधर गायब हो गए हो. तो ऐसे लोगों को रखना बेवकूफी है क्लास के अंदर. Okay, now, therefore tell me, what is the work done? Work done ka formula, ye wala formula, TDA. And therefore, dW equal to T into dA ke badle, 8 by R delta R, equation number one. Equation number one, mujhe lagta nahi derivation mein kar paunga. क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे जितना हो सके. इसको मैं एज इट इज रखूंगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम तुम लोग इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. आई ले सकते हो, ओके. नाउ मुझे एक बात बताओ, कैन आई से एक्सेस प्रेशर इज व्हाट माइनस व्हाट? पीआई माइनस पीओ. एंड प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. Therefore, force will be what? Pressure into area. Therefore, excess force will be equal to what? Excess pressure into area. All right. And therefore, इसके बाद आता है, मुझे समय की बहुत कमी है, नहीं हो पाएगा. पहले मैं इतना ही कर देता हूँ, इसको रिपीट करूंगा नेक्स्ट टाइम. आज सब लोगों को मेरा होमवर्क यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक, इक्वेशन वन तक.